मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। मनीष सिसोदिया को ईडी की ओर से गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि चोर हमेशा ही शोर मचाता है। भारतीय जनता पार्टी के अहंकार और भाजपा की प्रतिशोध की राजनीति की वजह से दिल्ली की जनता की सेवा करने वाले दो ख्यातिलब्ध मंत्री, पूर्व मंत्री जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये दिल्ली और देश का दुर्भाग्य है कि जहां दिल्ली के बच्चे, उनके अभिभावक और एक समय पर देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री पर गर्व करते थे, सत्येंद्र जैन पर गर्व करते थे जिन्होंने दिल्ली को विश्व प्रसिद्ध मोहल्ला क्लिनिक दिए, भाजपा ने अपने गंदी राजनीतिक भट्टी में दिल्ली का भविष्य बनाने वाले इन दोनों लोगों को झोंक रखा है। और आज एक बहुत ही चौंकाने वाली, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जानकारी सामने आई है। और वो जानकारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर मनीष सिसोदिया जी को तिहाड़ के एक नंबर जेल में रखा गया है। हमें पता चला है कि एक नंबर जेल में दुर्दांत अपराधियों को रखा जाता है, जो खतरनाक क्रिमिनल्स हैं, जिनके ऊपर कई सारी हत्याओं के, बलात्कार के, जघन्य अपराध के मामले दर्ज हैं, जो सजायाफ्ता है कई वर्षों से, जिनको उम्र कैद है कई वर्षों से। ऐसे कैदियों के बीच कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके, उसे दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया जी को एक नंबर जेल में रखा है। हम पहले भी बता चुके हैं कि सीबीआई के जरिए भारतीय जनता पार्टी माननीय मनीष जी को मेंटली टॉर्चर कर रही है। मनीष जी ने भी बताया कोर्ट में कि उनको, उनके ऊपर दबाव बना के झूठा कबूलनामा साइन करवाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, हर भ्रष्टाचारी पकड़े जाने के बाद ऐसे ही बातें करता है। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार के सामने वो बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं जो आपत्तिजनक होती हैं, बहुत सारे उनके एक्शन होते हैं जो आपत्तिजनक होते हैं, फिर भी वो भ्रष्टाचार के रास्ते पे नहीं होते हैं, इसलिए लोकतंत्र में उनको हर एक्शन लेने का अधिकार है। लेकिन इस राजनीति में, चाहे वो कविता जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, या फिर मनोज तिवारी ही क्यों न हो, अब भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है। और जो भ्रष्टाचार करेगा वो भरेगा, जिसके खिलाफ साक्ष्य होंगे उसको कोई भी नहीं बचा सकता। ये जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पर, और मुझे लगता है देश के लोग इसके, इस प्रक्रिया से बहुत खुश है कि जो भी भ्रष्ट है उस पर अंकुश लग रहा है और अब इस देश में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। आने वाले समय भी जो लोग हैं वो चेत जाएं, वरना उनकी जगह वही होगी जहां सभी भ्रष्टाचारियों की होती है। देखिए, जब आदमी फ्रस्ट्रेशन की चरम सीमा पे होता है ना, तो उसको शब्दों का चयन ऐसे ही होता है। हमारा मानना है ऐसे शब्दों का चयन करना ये
कांग्रेस के लोगों का और राहुल गांधी जी का परिचय है। यहाँ पर तो अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए तो उनकी एक एक सत्र में जीरो प्रेजेंस होती है संसद के सत्र में। तो जब आप संसद आओगे नहीं तो बोलोगे कब, और जब आप संसद में बोलते हैं तो हम सब घंटों घंटों सुनते हैं राहुल गांधी जी को। यहाँ तक कि हमारे पार्टी के चीफ भी ये भी कह देते हैं कि भाई वो कुछ भी बोले तुम लोग को हल्ला नहीं करना है। इसके बाद भी बोलते क्या हैं, झूठ। अभी देखिए ना, किसी सांसद, कई सांसदों ने प्रिविलेज मोशन जारी किया है। अब उन्होंने जो सदन पे फ्लोर पे बोला है उसको सिद्ध भी करना होगा। तो सदन ऐसी चीज नहीं है कि आप वहां झूठ परोस के निकल जाए और देश के बाहर जाए तो देश को बदनाम करें। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी सत्ता से हटने के बाद जिस फ्रस्ट्रेशन की चरम सीमा पे हैं उसमें उनसे यही अपेक्षा किया जा सकता है, लेकिन सदन के फ्लोर पे वो जो जो बोले हैं उसका साक्ष्य तो देना पड़ेगा, वरना एक अगली मुसीबत में है वो। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।